इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि संविदा कर्मियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। तय हुआ एक नया नियम। दरअसल प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इसमें कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। नियमितीकरण के लिए अब सरकार द्वारा नए नियम तय किए गए हैं और इसके तहत अब नियमितीकरण के लिए परीक्षा देनी होगी। जी हां, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। बताया जा रहा है कि 50% से अधिक अंक लाने वाले संविदा कर्मियों को ही नियुक्त कर उन्हें नियमित किया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नियम तैयार किए गए हैं। तो वहीं इसके अनुसार सभी विभाग अपने तृतीय श्रेणी के पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया का ही पालन करेंगे। ऐसे में एससी और एसटी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए सिर्फ 40% अंक ही लाने होंगे। इतना ही नहीं, नए नियम के तहत संविदा कर्मचारियों के पूरे पद यदि संविदा कर्मचारियों के 50 अंक लाने वाले कर्मियों से नहीं भरे जा सके तो बाकी बचे पद 50% से कम अंक वालों को नहीं मिलेगा। बताया गया है कि बहिनिया में स्पष्ट किया गया कि तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए परीक्षा के माध्यम से नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी, जिससे 300 अंकों के परीक्षा के लिए 3 घंटे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए 300 में से 150 अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम के तहत सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% पद आरक्षित किए गए, वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। तो ये रहा दोस्तों संविदा कर्मियों के लिए एक नया अपडेट जो कि हमने आप तक पहुंचा दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की हर नए अपडेट आप तक पहुंचे। और हाँ, एक और बात कि सरकार के इस नए नियम पर आपका क्या राय है, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसी और नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।